वहीं सीहोर जिले के लाड़कोई में वन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए कि रेंज परिसर में रखी जब्त की गई लकड़ी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल इन दिनों क्षेत्र में अवैध गतिविधियां लगातार देखी जा रही हैं। जहां पहले चोर जंगलों से लकड़ियां चुराते पाए जाते थे, वहीं अब वन परिक्षेत्र प्रांगण में जब्त कर रखी सागौन की सिल्लियों पर हाथ साफ करने से भी नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला भेरुंदा के लाड़कोई वन परिक्षेत्र का है, जहां लगातार जंगलों में हो रही अवैध गतिविधियों की रोकथाम के चलते 3 आरोपियों को पकड़ने में वन विभाग ने सफलता प्राप्त की। तो वहीं आरोपी से एक मोटर बाइक बजाज पल्सर भी जब्त की है। वहीं जानकारी देते हुए डिप्टी रेंजर देवी सिंह भाबर ने बताया कि 3 लोगों द्वारा वन परिक्षेत्र प्रांगण में रखी सौगन की सिल्लियों की चोरी का प्रयास किया गया, जिसमें 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी में से एक व्यक्ति द्वारा ये कहा गया कि इनकी सूरत देख तो छूट कर आने के बाद इन्हें नहीं छोड़ेंगे। देखा जाए तो वन हमले की गिरफ्त में होने के बाद भी चोरों के हौसले बुलंद हैं और वो सरेआम एक अधिकारी के साथ वन हमले को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। 3 लोग मोटरसाइकिल से आए और हमारे द्वारा पूर्व में जब्त की गई वन उपज जो रेंज प्रांगण में रखी हुई थी, जिसमें से एक नर सागौन चरपट को ले जाते हुए आवाज सुनाई देने पर देख लिया गया। तत्परता से वन हमले द्वारा लकड़ी चोरों को पकड़ लिया, जिसमें मिथुन केदार सिंह निवासी नवलगांव, राकेश टिकाराम निवासी सेवनिया, परशुराम जगन निवासी कनेरिया पिछावर पाया गया है।